आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रीवा पुलिस एक कत्ल के आरोपी को जब दबोचकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, तभी एक चोर पुलिस को चकमा देकर हवालात से भाग गया। यह मामला रीवा के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन का है। सिविल लाइन थाना पुलिस जहां पिछले दिनों हुई हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ करके एक के बाद एक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर शाबाशी लूट रही थी, वहीं चोर के केस में पकड़ा गया चोर थाने से फरार हो गया। पुलिस को समझ नहीं आ रहा वह खुश हो या रोए। दरअसल सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में सक्रियता दिखाते हुए तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की, जिसको लेकर बड़े अधिकारियों ने थाने की पुलिस की तारीफ की। पुलिस तारीफ का जश्न मना पाती, उससे पहले चोरी का आरोपी पुलिस को चकमा देकर पुलिस स्टेशन से रफू चक्कर हो गया। ये एक संदेही था दीपेन तिवारी उर्फ बेटू, ये रहने वाले हैं रामपुर बघेलान के। तो एक चोरी के मामले में सस्पेक्ट थे ये, तो इसे पूछताछ के लिए थाने लाया गया था और ये थाने से काफ़ी भीड़ भाड़ थी, चकमा दे के भाग गया यहाँ से। उसके तारतम्य मैंने यहाँ पर 224 IPC का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है और उसकी तलाश कर। कत्ल का मामला पूरी तरह सुलझ पाता कि इससे पहले चोर थाने से भाग गया, अब पुलिस चोर और चोरी वाले मामले में उलझ कर रह गई है। पुलिस फरार आरोपी को पकड़ने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस के किसी कर्मचारी की संलिप्तता भी नजर आ रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।